हेलो फ्रेंड्स, आई होप एंड प्रे आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ये फीचर भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुका है। पहले MG Aster में हमने देखा और इसके बाद हमारी चाहिए थी XUV700 में फ्रॉम महिंद्रा, ये फीचर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि नाम में ही है, ये गाड़ी में सेफ्टी में आपको बहुत हेल्प करता है और ये फॉरेन मार्केट्स में काफ़ी लंबे अरसे से बेचा जा रहा है, बट भारतीय मार्केट में हमारी खुश नसीबी है कि अभी आपको जल्दी और गाड़ियों में भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये आपको किस तरह से हेल्प करता है, ये किस तरह से आपको बचाता है, तो मैं इस बारे में आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये आपको अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, इसमें एक ऐसा फीचर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं महिंद्रा XUV700 की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अनुमान हमारी गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल लगा होता है जिसमें स्टेयरिंग हम संभालते हैं, बट अगर हमने गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल में सेट कर दी तो हमें एक्सीलेटर से पैर हटा लेना होता है और गाड़ी खुद ब खुद चलती है, उस स्पीड को मेंटेन करती है। वहीं जब हम देखते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या हमें कुछ स्पीड कम या तेज़ करनी है, गाड़ी रोकनी है, तो हम ब्रेक लगाते हैं और क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल हो जाता है, फिर गाड़ी ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में मैनुअल में आ जाती है। यहाँ पे इसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है। उसमें क्या होता है, जब आप उसे क्रूज़ कंट्रोल में सेट करते हैं तो गाड़ी का एक्सेलेटर तो अपने आप को अपने आप संभाल लेता है सारी चीज़ों को, बट उसके साथ ही गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो भी खुद ब खुद जज कर लेता है खुद को, चीज़ों को, रोड को, और आप स्टेयरिंग से भी हाथ हटा सकते हैं और स्टेयरिंग खुद ब खुद राइट लेफ्ट चीज़ें अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो जज कर लेता है, क्योंकि उसमें राइट लेफ्ट आगे पीछे सब जगह कैमराज लगे होते हैं, तो आप स्टेयरिंग से भी कहीं ना तक फ्री हो जाते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए गाड़ी में भी बीच बीच में वार्निंग साइंस आते हैं कि स्टेयरिंग में आप कंट्रोल ले लें, खुद हाथ ना हटाएं, ये नहीं कि आप सो जाएं, बट बहुत अच्छा फीचर है ये। उसके साथ ही दोस्तों, जब क्रूज़ कंट्रोल के दौरान आपको सामने कोई अगर गाड़ी चल रही है अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में, आपको उसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद सेंस कर लेती है, स्पीड स्लो कर लेती है या रुक भी जाती है, और फिर वापस जैसे जैसे उसे जगह मिलती है, सामने वाली गाड़ी चलती है, वो वापस उसी स्पीड पर आ जाती है। यह है अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फीचर। दूसरा, अनुमन अगर आप देखें फॉग में भारतीय हमारी सड़कों पर, अभी उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में, जैसे हमारे बहुत फॉग होता है, कोहरा बहुत होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें कई बार विजिबिलिटी नहीं होती अच्छी इतने कोहरे में, तो हम पैनिक ब्रेकिंग करते हैं या हम उतने स्पीड में नहीं चल पाते हैं जो कि चलना भी नहीं चाहिए। इसमें ये फीचर काम आता है। गाड़ी क्या करती है, मान लीजिए आपके सामने एक कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, और आप उस गाड़ी को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी गाड़ी ये आ रही है और ये सामने ऑलरेडी गाड़ी है, आप उसे अप्रोच कर रहे हैं, तो गाड़ी खुद ब खुद सेंस कर लेती है दूर से और स्पीड ऑटोमेटिक स्लो कर लेती है, अचानक ब्रेक नहीं मारती है जो हम मार सकते थे, तो एक तो गाड़ी उसे देख लेती है, एक एक्सीडेंट वहाँ बचाती है, फिर वो गाड़ी का ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई करती है, बट एकदम ब्रेक नहीं लगाती जिससे कोई पीछे वाला आपको ठोक दे, धीरे धीरे ब्रेक लगाती है, उससे आपको भी कुछ अंदाज़ा लग जाता है और स्पीड स्लो कर लेती है, ऑटोमेटिक कंडीशन में एडजस्ट कर लेती है। तो एक बहुत बेहतरीन फीचर है, आपकी जान को बचा सकता है और बचाता है, और हालांकि पूरी तरह इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें खुद की आंखों पे और ड्राइविंग पे भी भरोसा होना चाहिए, हमें सोना होना नहीं चाहिए, बट बहुत अच्छा फीचर है ये। तीसरा फीचर जो दोस्तों है वो है लेन कीप असिस्ट। इसमें क्या होता है, हमारी लेन्स में जहाँ मार्किंग होती है स्पेशली, वहाँ गाड़ी एक लेन के बीचों बीच अपनी जगह बना लेती है और उसी में चलने की कोशिश करती है। अगर आप लेन से भटकते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद अब उस रोड की जो लेन्स है उसके मिडिल में आने की कोशिश करती है, ऑफकोर्स देख के कि कोई बीच में गाड़ी नहीं, किसी में ठोकी नहीं गाड़ी, कैमरा में जगह देख के ऑटोमेटिक अगर आप लेन से भटकते हैं गाड़ी फिर आपकी लेन में आ जाती है और लेन की बीचों बीच आपको चलने में मदद करती है। तो अंधेरे में या फॉगी कंडीशंस में भी ये काफ़ी आपको सेफ रखता है, आप कहीं दीवार में या साइड में कहीं बाउंड्रीज में नहीं भिड़ेंगे और आप बीच में चलते हैं, जो एक सेफ पोजिशन मानी जाती है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तानी भारतीय सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे और बहुत ही ज़रूरी थे ये। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बस अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही मुझे दिखाते रहें, और इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।